इस वीडियो को स्पॉन्सर किया सैमसंग लेवल यू ने, गजब का प्रोडक्ट मात्र 2399 के अंदर आपको सैमसंग की ब्लूटूथ डिवाइस मिल जाएगी, जिसके अंदर आप 8 घंटे तक नॉन स्टॉप म्यूजिक को सुन सकते हो। प्लस इसके अंदर खास बात यह कि ये नॉइज कैंसलेशन के साथ आता है। और गजब का प्रोडक्ट और अधिक जानकारी के लिए नीचे साइट से आप जानकारी ले सकते हो, उसके बाद अपने आसपास की नियर बाय मोबाइल की शॉप पर या फिर सैमसंग स्टोर से इसकी जानकारी ले सकते हो, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे इस वीडियो के नीचे लिंक से परचेज करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी साइट है, वहां से आप इसको डायरेक्टली वो परचेज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट टू मनी की जिद दुनिया बदलने की। तो मैं आज आपके लिए कमाल का बिजनेस आइडिया लेके आया हूं, जिसमें आप ब्रांड के साथ जुड़ के महीने के 3 से 4 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हो। गजब का बिजनेस आइडिया मतलब कि महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो, प्लस एक ब्रांड के साथ जुड़कर एक प्रोफेशनल काम करके। तो आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि जियो गीगा फाइबर बहुत जल्द भारत में लॉन्च हो जाएगा, प्लस उसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन को आमंत्रित किया। किस प्रकार इसको आवेदन करना है, किस प्रकार कस्टमर से बात करनी है, उसके बाद इसका प्रॉफिट की गणित क्या रहती है, किस प्रकार से इसका हमारे लिए मार्केट कैप रहेगा और कितना कंपनी डिपॉजिट लेगी, उसके लिए डीटीएच वर्क स्पेस का है वो स्पेस का डिपॉजिट आपको कितना करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास कितना वर्क स्टेशन है वो होना चाहिए। तो आज इसकी मैं पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जियो गीगा फाइबर बहुत जल्द भारत के 1100 सिटी के अंदर लॉन्च हो जाएगा और इसकी जो स्पीड है 1 Gbps की स्पीड है, प्लस इसके साथ आपको डीटीएच की सीरीज वो फ्री मिल जाएगी। तो जियो ने अपना जियो का कारोबार 28 दिसंबर 2015 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। वैसे इंडिया की कंपनी रिलायंस जिसने जियो को प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, उसके बाद 3 महीने के अंदर उसने 3 महीने के अंदर 1 करोड़ सब्सक्राइबर है वो हासिल करे। लेकिन हाल फिलहाल सबसे तेजी के साथ ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ ब्रांड है और जिस किसी ने भी जियो सिम की जो डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी उनको मार्जिन भी अच्छा, मतलब कि जो रिटेलर थे उनको 6.5% का कमीशन है वो कंपनी दे रही थी, उसके बाद जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको 2.5% का वो कमीशन दे रही थी। लेकिन आप जियो FTTH यानी कि जियो गीगा फाइबर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो महीने के लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। तो जी हाँ बिल्कुल, आप ब्रांड के साथ जुड़ सकते हो। तो आपके लिए क्या स्पेशल इसके लिए, इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका इक्विपमेंट कैसा रहेगा, प्लस आपकी जो मार्केट ग्रोथ है वो इसके साथ कैसे रहेगी, प्रॉफिट की गणित है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट के रूप में अगर आप पहले से कोई भी फर्म चला रहे हो तो आपका GST नंबर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल मार्केट के अंदर काम करता हूं या फिर मेरे पास ऑलरेडी कोई कंपनी है जिसे मैं GST मेरा नंबर लिया हुआ है, तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि अगर आपके पास GST है तो कंपनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको लेगी। और आपके पास अगर आप GST नहीं और आप इस बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप GST नंबर नहीं ले सकते। उसके बाद पैन नंबर चाहिए आपको, आधार कार्ड नंबर चाहिए और जो रेंट की स्लिप होती है वो आपकी चाहिए कि मैं किस रेंट के ऊपर, यानी कि जो मेरा रूम वगैरह, मेरा जो दुकान वगैरह या मेरा जो वर्क स्टेशन है उसका जो रेंट स्लिप आपके पास होनी चाहिए। थे जरूरी डॉक्यूमेंट मतलब कि 3-4 नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में मुझे और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप डायरेक्टली इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, अपने कस्टमर केयर अधिकारी से डायरेक्टली बात करके वहां से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं, मात्र 50,000 रुपए कंपनी को डिपॉजिट फीस ले रही है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे डीटीएच का वर्क स्टेशन लगाना है तो कंपनी आपसे 2 लाख रुपए अलग से वो चार्ज लेगी, मतलब इसके साथ आपको डीटीएच का वर्क स्टेशन भी लग जाएगा और सबसे कम रेंज के अंदर आप इस बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं, प्लस एक प्रोफेशनल बिजनेस भी है। अब डिपॉजिट हो गया, वर्क स्टेशन भी लगा दिया, मतलब 2.5 लाख रुपए की आपको सीधे सीधे इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, आपका अपना बिजनेस है वो खड़ा कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जियो गीगा फाइबर में प्रॉफिट कितना होगा। तो जो कंपनी मार्केट के अंदर जो सिम लेके आई थी, जो 4G नेटवर्क लेके आए थे, जिसके अंदर रिटेलर मार्केट वालों के ने जो रिटेलर थे उनको 6.5% का कमीशन दिया था, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको जो कमीशन दिया था वो दिया था 2.5% का। लेकिन अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हो कि मैं इस कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं तो मेरा कमीशन रहेगा, मैं अगर बात करता हूं नॉर्मली तो जियो गीगा फाइबर का जो प्लान आएगा वो 750 रुपए महीने का आएगा और कंपनी आपको 1 से 1.5% भी मार्जिन देती है। तो एक दिन के अंदर कम से कम यानी कि एक सिटी के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाखों रुपए का कारोबार होता है, मतलब कि लाखों रुपए का टर्न ओवर होता है, उसमें सब कमीशन भी निकाल लेते हैं। तो आप महीने दिन के अंदर आप 5-6 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हो। और अब चाहिए कि इसके और इसके लिए आपको 2500 स्क्वायर फुट का एक हॉल या रूम या फिर एक आपका अपना खुद का वर्क स्टेशन होना चाहिए और कम से कम उसके अंदर लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, तभी आप इस कंपनी के साथ जुड़कर वो काम कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात कि जियो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए इसके बारे में तो अपने नियर बाई JC यानी कि जियो सेंटर पर जाकर डायरेक्टली JCM से बात करके, जियो सेंटर मैनेजर से बात करके वहां से आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। गजब का बिजनेस है, प्लस इसके अंदर आप जैसा इन्वेस्ट करते हो तो मैं कहता हूँ कि महीने के लाखों रुपए की अर्निंग आपके आराम
से हो जाएगी। क्योंकि जियो मार्केट के अंदर हाल फिलहाल ही जियो गीगा फाइबर को लॉन्च कर देगा, भारत की 1100 सिटी के अंदर लॉन्च करेगा, और जो कस्टमर से जो सर्विस लेगा, कस्टमर इसको इंस्टॉल करेगा, तो सिक्योरिटी राशि के रूप में इस कंपनी प्रत्येक कस्टमर से 4500 रुपए का वसूल है वो चार्ज करेगी। उसके बाद कंपनी जब मार्केट के अंदर ग्रोथ कर लेगी कि मैंने इसके अंदर मार्केट के अंदर ग्रोथ कर लिया, तब मार्केट के अंदर कंपनी अपने प्लान के अंदर चार्ज लेना वो स्टार्ट कर देगी, जिसमें महीने का प्लान 750 रुपए का होगा, जिसके अंदर कस्टमर को 10 से 12 GB पर डे का डेटा मिलेगा। उसके बाद जितनी भी डीटीएच की सर्विस है वो सारी की सारी फ्री रहेगी। तो इसका जो मैं प्रॉफिट का गणित मैं आपको बता देता हूं, प्रॉफिट का गणित है वो क्या रहेगा, जो कंपनी 4500 रुपए का चार्ज लेगी उसमें से अभी आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा, सारा काम कंपनी के सेल्स के बंदे करेंगे, मतलब कि आपको इसके अंदर इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और रही बात की प्रॉफिट की, तो कंपनी में पहले बता चुका हूं कि जब मार्केट के अंदर जियो का नेटवर्क आया था तब उसने अप्रैल 2016 के अंदर अपनी कॉमर्शियल सेवाएं लॉन्च की, तब रिटेल मार्केट को 6.5% का कमीशन दिया था, उसके बाद जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप थे उनको दिया था 2 से 2.5% का कमीशन। लेकिन अगर आप जियो गीगा फाइबर बैंड के साथ जुड़ते हो, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, तो मैं कहता हूं इसके साथ कम से कम आपको 1.5% या 2% का आपको मुनाफा हो जाएगा, मतलब कि एक जिले के अंदर एक सिटी के अंदर आपका टर्न ओवर रहता है 2-2.5 लाख रुपए दिन का, इनके 5 से 6 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। गजब का बिजनेस आइडिया, दासु बिजनेस आइडिया। और इस बिजनेस को अगर आप करते हो कि मतलब कि मैं इस रीजन में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो अपने नियर बाई GSEM JC ऑफिस से आप डायरेक्टली मिलकर आप इस बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ करने के लिए वहां से आप इस बिजनेस के अंदर अपना पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रही इसकी प्रॉफिट की गणित। मैं आपको बताता हूं कि जियो फाइबर मार्केट के अंदर किस प्रकार कब्जा करेगा। वैसे मार्केट के अंदर 5G को आने में कम से कम 2 से 2.5 साल और टाइम है, मतलब कि जब तक 5G आएगा तब तक पूरा का पूरा 5G जो जियो का गीगा फाइबर है पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका होगा, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1100 सिटी के अंदर ये फैल चुका होगा। अब जब स्पीड आ रही है, मतलब कि कंपनी कह रही थी साथ हम 1 GBPS की स्पीड देते हैं, 1 GBPS मतलब कि 100 MBPS की आपकी स्पीड आएगी डायरेक्टली, और जब मोबाइल की स्पीड आ रही है कंपनी अभी 100 MBPS की बता रही, लेकिन जो स्पीड मिल रही है 1 MBPS की मिल रही है। जब मैं 5G की बात करता हूं तो कंपनी कहेगी कि इसके अंदर 1 GBPS की स्पीड देंगे, मतलब कि 100 MBPS की स्पीड आएगी। तो प्रत्येक कस्टमर जो इंटरनेट से परेशान है, जो माइक्रो यानी जो मोबाइल की किरणों यानी कि जो आती है उनसे, हमारे क्या है कि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, तो उनका जो एक होता है लेवल वहां तक आते ही वो क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद जो इंटरनेट स्पीड है वो धीरे हो जाती है। लेकिन जब इस बिजनेस के साथ आप जुड़ोगे, मतलब जियो गीगा फाइबर जैसे ही मार्केट के अंदर आएगा, तो उनको एक FTTH की लाइन मिलेगी, मतलब कि फाइबर लाइन मिलेगी, तो उससे क्या होगा कनेक्टिविटी आपके सेम रहेगी, उसके बाद इंटरनेट की स्पीड के अंदर आपके कोई फर्क नहीं आएगा। तो प्रत्येक घर से ये चाहेगा कि मैं जियो का गीगा फाइबर ही लगा दूं, ताकि मेरे DTH की सर्विस है वो भी फ्री हो जाएगी, और मेरा इंटरनेट कनेक्शन है उसका भी है वो चार्ज कम लेगा, मतलब मेरे घर के अंदर जितने भी जो मोबाइल यूजर है जिनके अंदर वाईफाई है, वाईफाई चलता है, वो डायरेक्टली उनसे वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे, और कॉलिंग कंपनी कॉलिंग के लिए भी इसके अंदर है वो स्पेशल ऑफर रखेगी। अब प्रॉफिट की मैंने बात बता दी, इन्वेस्टमेंट की बात बता दी, अब मैं बताना चाहता हूं कि जब जियो गीगा फाइबर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो सबसे प्लस पॉइंट आपके क्या रहेगा, तो प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर जुड़ जाओगे, प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाएगी, क्योंकि जियो के तेजी से ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ ब्रांड है, प्लस एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है कि बहुत सारे इनके ओप्पो वीवो के अंदर या सैमसंग के अंदर जब लेने जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख 20 लाख 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके अच्छी खासी मोटी कमाई है वो कर सकते हो। अब इसके अंदर जब हम एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं कि मेरे पास भी जियो के डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जियो का नेटवर्क को मैं संचालित करूं अपने सिटी के अंदर, होम ग्राउंड होम टाउन के अंदर या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही एक बड़ी बात होगी कि क्यों नहीं मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ा हूं और मेरा जो प्रॉफिट भी अच्छा है, प्लस मुझे मार्केटिंग के तौर पर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा का सारा मार्केटिंग के तौर पर जितने भी जियो कंपनी के जो जियो के कर्मचारी लगे वो आपका सारा का सारा मैनेज है वो कर लेंगे, मतलब कि आपको इतना भागदौड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि माल आराम से बिक रहा है, अपना ब्रांड के नाम से वो माल बिक रहा है। तो एक गजब का प्रोडक्ट है, गजब का मैं कह सकता हूं कि प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ अगर आप जुड़ते हो, अपना निवेश करते हो, तो अच्छी खासी रकम है और इनकम कर सकते हो। इसी प्रकार के बिजनेस आइडिया के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस रिगार्डिंग बहुत सारे टेक्निकल अपडेट के साथ साथ बिजनेस न्यूज भी आपके लिए आता हूं, और आप खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।